हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना प्रजापति और हमारा आज का टॉपिक है क्रिटिकल पैडागोजी। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रिटिकल क्या होता है। क्रिटिकल का मीनिंग होता है कि किसी भी चीज़ के आप गुड और बैड एस्पेक्ट जब बता सकते हो कि किसी भी चीज़ में ये अच्छी बातें हैं, ये बुरी बातें हैं, जब आप उसको हर सर्टेन पॉइंट पे एनालाइज करके जब आप वो सारी चीज़ें बताते हो तो वो होता है हमारा क्रिटिकल। जैसे कि हमारी क्रिटिकल थिंकिंग होती है, क्रिटिकल थिंकिंग होता है जब जिसके अंदर हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं। कोई भी अगर हमें जजमेंट ले लिया है तो पहले हम चीज़ों को एनालाइज करेंगे और फिर उसका इवेल्युएशन होगा। अब एनालाइज का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज़ को छोटी छोटी पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं अपने थिंकिंग को। जैसे मान लो कि आपको पार्ट्स ऑफ बॉडी जो हैं, अब उसके बारे में हर पार्ट के बारे में अलग अलग पढ़ना है, तो आप क्या करोगे, ईयर के बारे में अलग पढ़ा, नोज़ के बारे में अलग पढ़ा, लिप्स के बारे में अलग पढ़ा, हेयर के बारे में, तो हर पार्ट के बारे में आप जब अलग अलग पढ़ रहे हो, चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो, आप उसको ब्रेक डाउन कर रहे हो। चीज़ों को एनालाइज करने के बाद कि इसमें क्या क्या गुड पॉइंट्स है, इसमें क्या बैड पॉइंट्स है, इन सब चीज़ों को एनालाइज किया आपने। एनालाइज करने के बाद आप इवेल्युएशन करोगे, ठीक है। इवेल्युएशन में आपने डिसीज़न ले लिया कि हाँ कि ये इस चीज़ में ये क्वालिटी है और ये बेकार चीज़ें हैं, तो इस एनालिसिस और इवेल्युएशन से आप क्या दोगे, एक जजमेंट दे दोगे, तो यही हमारी क्रिटिकल थिंकिंग होती है। तो क्रिटिकल पैडागोजी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसके अंदर ये एक ऐसी टीचिंग की फिलोसफी होती है जिसमें हम बच्चों को क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं कि वो चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करे, बट क्रिटिसाइज़ करे एक पावर को या ऑपरेशन को। मान लो कि कोई गलत रीति रिवाज हमारे समाज में चले आ रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो सती प्रथा थी, बाल विवाह था, ये सारी चीज़ें क्या थी, ये सारी चीज़ें जो थी एक क्रिटिसाइज़ किया क्योंकि ये गलत चीज़ें चलती आ रही थी। अब जैसे हमारे समाज में जाति प्रथा है या और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि गलत हैं, तो हमें बच्चों को क्या करना है, एनकरेज करना है कि वो जो गलत पावर है, जो ऑपरेशन हो रहा है लोगों को, क्या करते हैं किसी भी चीज़ के लिए क्या मजबूर किया जाता है, जो सोसाइटी में ऑपरेशन है, ठीक है, ऑपरेशन हो रहा है उनका, मतलब दबाव दिया जा रहा है, उनका दमन किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, तो उन सब चीज़ों के लिए बच्चे क्या हो सके, उनमें एक समझ विकसित हो सके कि वो उसको क्रिटिसाइज़ कर सके एक लॉजिकल तरीके से। ये नहीं कि आप किसी को पसंद नहीं करते और हवा में तीर मार रहे हो और ऐसे ही कुछ कुछ बोले जा रहे हो, ऐसा नहीं करना। हर चीज़ को डीपली आपको स्टडी करके, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बारे में क्रिटिसाइज़ करना है। तो अब ये क्या होती है हमारी, इसके अंदर हम अवेयर होते हैं चीज़ों से कि जो हमारे आसपास क्या चल रहा है। जैसे आप ये देखोगे जो तालिबान का इशू है, आप क्या करोगे, आप आजकल की जो चीज़ों से अवेयर हो, ठीक है, अवेयर होने के बाद फिर आप क्वेश्चनिंग कर रहे हो, आपने डीप स्टडी करी है कि अफ़गानिस्तान क्या है, वहाँ पे तालिबान का कैसे सब स्टार्ट हुआ, उनकी सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या है। आप हर चीज़ों को पहले हम डीपली स्टडी करते हैं अलग अलग, और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चनिंग करते हैं। स्टेटस क्यों मतलब होता है कि प्रेजेंट सिचुएशन, कि आपने क्या कहते हैं, जो उसकी प्रेजेंट सिचुएशन है वो सिचुएशन कैसी है और कैसे वो सिचुएशन बेहतर हो सकती है, इन सब चीज़ों को लेकर हमें क्या करना है, बच्चों में हम स्टार्टिंग से ही वो चीज़ें डेवलप करनी है कि वो गलत चीज़ के बारे में क्या कर सके, मना कर सके। लेकिन क्यों मना करें, पहले उसको वो डीपली स्टडी करेंगे उसके बाद। और इसमें ये नहीं है कि बच्चे अपने आप कर लेंगे, तो टीचर को भी एक लर्नर बनना पड़ता है। अगर मान लो एक टीचर है, उसको एक टॉपिक पढ़ाना है, तो ये नहीं कि आते ही बुक में से जो लिखा है सिर्फ वही पढ़ा दिया, ये नहीं। आप टीचर को भी अपने आप को अवेयर करना है, उसको फर्दर स्टडीज़ करनी है, अलग अलग स्कॉलर्स की जो बुक्स हैं उसको रिसर्च करनी है, फिर नेट पे स्टडी करनी है, अपनी थॉट्स और लगानी है। उसके बाद जब टीचर ये सारी चीज़ें करेगा
तो एनकरेजमेंट मिलती है बच्चों को, वो चैलेंज करेगा बच्चों को कि आप क्या है इस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल के दिखाओ, इस चीज़ को आप क्या कहते हैं गुड पॉइंट्स बताओ, इसके बैड पॉइंट्स बताओ। तो टीचर को पहले खुद करना पड़ता है, उसके बाद वो क्या है बच्चों को कराता है। तो इसमें टीचर भी एक लर्नर होता है। तो अब ये है कि आप जो जैसे इनइक्वालिटीज़ देख रहे हो कि जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, या आप इन सब का भी छोड़ो, आप जैसे आप देख रहे हो कि वाटर स्कार्सिटी हो रही है, कहीं पे पानी बिल्कुल नहीं है, कहीं पे बहुत ज़्यादा पानी है, ठीक है, तो आप कैसे उसका यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी क्या कहते हैं जो रूरल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है, तो आप इन सब चीज़ों को इनइक्वालिटी देख रहे हो कि वहाँ पे रूरल लोगों के लिए एक हॉस्पिटल तक नहीं है और जो अर्बन एरिया है वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो ये सारी जो जो चीज़ें होती हैं, आपको एक टीचर होने के नाते आपको पहले खुद लर्नर बनना है। लर्नर बनने के बाद आप बच्चों को करवाओगे, ठीक है, उन्हें एक चैलेंज दोगे, उनकी एज के अकॉर्डिंग, उनकी क्लास के अकॉर्डिंग आपको चैलेंजेस देने और टॉपिक लेने हैं। ये नहीं कि अब कि 5 साल के 6 साल के बच्चे और आप उनको अफ़गानिस्तान के बारे में और ये सब चीज़ें करा रहे हो, उसके लेवल के अकॉर्डिंग आपको देना है, ठीक है। और फिर क्या है, जो भी हमारी फैमिली, इससे क्या होगा हमारी फैमिली स्कूल में सोसाइटी में जितनी भी प्रॉब्लम है वो उसके बारे में जानेंगे और अपना वो एक क्या कहते हैं जजमेंट देंगे, अपना सॉल्यूशन बताने की भी कोशिश करेंगे। अब है कि आप क्लास में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि बच्चे आपकी जो ये थिंकिंग है वो डेवलप हो बच्चों में ये थिंकिंग, तो सबसे पहले इसके लिए आपको खुद को चैलेंज करना पड़ेगा, चैलेंज योर सेल्फ। तो बीइंग अ टीचर आपको अपने आप को चैलेंज करना है कि आपको अलग अलग डिफरेंट स्कॉलर्स की बुक्स पढ़नी है कोई टॉपिक पढ़ाने से पहले, ठीक है, उसके बाद बच्चों के सामने क्वेश्चंस पुट करने हैं, फिर वो उस पर रिसर्च करेंगे, फिर वो एनालाइज करेंगे, अपने गुड और बैड आस्पेक्ट बताएंगे, इम्प्रूवमेंट बताएंगे कि कैसे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चैलेंज योर सेल्फ में क्या है, चैलेंजिंग द डोमिनेंट सोशल स्ट्रक्चर, कि जो भी सोशल स्ट्रक्चर जो है डोमिनेंट है उसके बारे में आप चैलेंज दो उन्हें, ठीक है। नैरेटिव्स दैट सोसाइटी हैज़ मेड मोस्ट फैमिलियर, कि जो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट चीज़ें हैं आपको उसके बारे में क्या करना है, ये सारे चैलेंजेस देने हैं कि ठीक है। और चैलेंजेस देने के लिए हमारी सोसाइटी में भी बहुत सारे जो आस्पेक्ट हैं कि जैसे कि घूंघट कराना, तो आप चैलेंज करो बच्चों को कि क्या कहते हैं लड़कियों से औरतों से घूंघट क्यों कराया जाता है, तो ये एक चैलेंज होगा। तो उससे पहले आपको पूरी स्टडी करनी पड़ेगी, फिर आप चैलेंज दोगे और फिर बच्चे ये, लेकिन ये सब अगर आपने जैसे ये वाला चैलेंज आपने दिया तो आपको उनकी एज के अकॉर्डिंग देना है, ठीक है। तो अब इसमें यह है कि जितना आप पढ़ोगे, द मोर यू लर्न, कि टीचर जितना पढ़ेगा उतना ही वो क्या करेगा, वो बच्चों को एनलाइटन कर पाएगा कि बच्चे भी क्या करें, एनालाइज कर सके चीज़ों को। अब है दूसरा, क्या कर सकते हो आप क्लासरूम डायनामिक को, मतलब क्लासरूम का डायनेमिक आप चेंज कर सकते हो। एग्जांपल है, जैसे मान लो आपका क्लासरूम का लेआउट है, लेआउट आप क्या कर रहे हो ऐसे रोज़ में बच्चों को पढ़ा रहे हो, ठीक है, आप उसकी जगह आपने नया लेआउट किया, चैलेंज किया अपने आप को कि मैं बच्चों को सेमी सर्कल में पढ़ाऊंगी, बच्चों को कहते सर्कल में पढ़ाना है, उनका सिटिंग अरेंजमेंट अलग अलग वे में आप कर रहे हो। किसी भी चीज़ को आप अपने क्लासरूम में क्या कर सकते हैं, चैलेंज करके, चैलेंज के कि आपकी क्लास में कोई मान लो कोई बच्चा ऐसा है जिसको क्या कहते हैं पढ़ने में प्रॉब्लम है, या आपके क्लास के मोस्टली बच्चे जो हैं वो राइटिंग में प्रॉब्लम कर रहे हैं, उन्हें मात्राओं का ज्ञान नहीं है, ठीक है, तो आप चैलेंज करो, आपने एक चैलेंज किया अपने आप को कि कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं उनकी मात्राओं का ज्ञान, बड़ी छोटी कैसे बताया उन्हें, तो आप एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए, आपने वो कॉन्सेप्ट करवाया, ठीक है, और क्या, और फिर उसके आप रिज़ल्ट देखोगे कि क्या क्या उसके अंदर पॉजिटिव चीज़ें रही, क्या क्या उसमें नेगेटिव चीज़ें रही। अब आ सकता है, अब हम नेक्स्ट हमारा प्रेजेंट ऑल्टरनेटिव व्यूज़, ऑल्टरनेटिव व्यूज़ भी आपको इसके अंदर प्रेजेंट करने हैं।
कि इसके अंदर आपको डिस्कशन कराना है, कॉन्क्लूजन देना है कि आप ऐसा क्यों सोचते हो, कि जैसे घूंघट वाला था कि लड़कियों को घूंघट क्यों कराना चाहिए शादी के बाद, आप बताओ उससे क्या होगा, आप उस पर डिस्कशन करो, फिर उसका एक कॉन्क्लूजन निकलेगा। हर कोई अपने जो, क्योंकि जो हमारी अगर क्लास जो है वो कोएड एजुकेशन है, लड़के लड़की दोनों हैं, तो हम क्या पर उनके जो बिलीफ हैं लड़के लड़कियों के दोनों के पता चलेंगे, उनका घर का सिस्टम पता चलेगा, तो ये सारे ऑल्टरनेटिव व्यूज़ भी उनको बताने होते हैं। फिर है आपको अपना असेसमेंट भी चेंज करना पड़ेगा, तभी बच्चे कुछ कर पाएंगे। अब खाली आप यही जैसे असेसमेंट सिर्फ आप मार्क्स के बेसिस पे कर रहे हो कि बच्चा जो मेमोरी बेस्ड चीज़ों को कितना कर पा रहा है, कि क्या कहते हैं रिजल्ट उसका क्या आ रहा है, इसी चीज़ों पे अगर आप फोकस्ड करोगे तो ये गलत है। आपको असेसमेंट देखना पड़ेगा, आपको नॉन करिकुलर एक्टिविटीज़ देखो, उनका क्लासरूम पार्टिसिपेशन देखो, तब आपको किसी भी चीज़ का असेसमेंट करना होता है। अब है एनकरेज एक्टिविटीज़ में, अब इसके अंदर एनकरेजमेंट करना है कि बच्चे जो हैं एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें हर चीज़ों में, एक एक्टिव रोल उनका हो सोसाइटी में। अगर उनकी एज ज़्यादा है, अगर मान लो 7th 8th के बच्चे, तो उन्हें सोशल इश्यूज पता होने चाहिए, वो सामने आएं और बोलें कि हाँ हमें ये काम करना है। या प्राइमरी में बच्चे हैं, जो प्राइमरी में बच्चे में जैसे देखते हैं कि बारिश में पानी भर जाता है, तो वो भी एक इशू है, वो भी एक चैलेंज है, तो उसके लिए भी बच्चे प्राइमरी के बच्चे 3rd 4th 5th 6th के बच्चे भी अपना चैलेंज कर सकते हैं इस चीज़ों को, और क्या कहते हैं एनकरेज कर सकते हैं। तो ये एनकरेज जब होगा जब टीचर अपने आप को एजुकेट किया, टीचर ने ठीक है अपने आप को एक चैलेंज दिया, एजुकेट किया, ऑल्टरनेटिव वेज ढूंढे, फिर टीचर ने यही एजुकेट किया स्टूडेंट्स को और उनको एक चैलेंज दिया। अब स्टूडेंट्स भी उसके बारे में फर्दर स्टडीज़ करेंगे, अब स्टूडेंट्स जाके अपने घर पे बताएंगे, अब घर वालों के आगे भी एक क्वेश्चन आ गया, अब घर वाले भी क्या करेंगे इस पर डिस्कशन करेंगे, घर वाले क्या करेंगे अपनी बाहर, घर वाले अपनी कम्युनिटी में बात करेंगे, सोसाइटी में बात होगी, पड़ोसियों से हर जगह, तो ये क्या होगा एक चेन सी जो है ना वो क्रिएट हो जाएगी। तो अब इसके अंदर है कि जो अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट वेयर दे कैन कॉम्बैट ओप्रेशन, तो ओप्रेशन जहाँ पे दमन किया जा सकता है वहीं पे अपॉर्चुनिटी क्या होती है प्रेजेंट होती है, कि कोई गलत चीज़ है आप उसका दमन कर रहे हो तो वही क्या है हमारा होगा। अब ये हमारी क्रिटिकल पैडागोजी है एक सिंपल से वे में, कोई मुश्किल बात नहीं है ये, कि बस आपको क्या करना है बच्चा चीज़ों को एनालाइज कर पाए और उसमें टीचर का भी एक रोल है। अब इसमें है कि जो बच्चा जो ये पैडागोजी दी थी इसकी प्रोनंसिएशन आई डोंट नो द करेक्ट प्रोनंसिएशन, पॉल फ्रायर जो हैं इन्होंने दी थी 1921 से 1997 में, ये ब्राज़ील के थे, इनका फुल जो नेम है वो है पॉल रेगुलस नेविस फ्रायर, और इन्होंने ये क्रिटिकल पैडागोजी का कॉन्सेप्ट इन्होंने ही दिया था, या आप इनको फादर ऑफ क्रिटिकल पैडागोजी भी बोल सकते हो। और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था पैडागोजी ऑफ द ओप्रेस्ड, ओप्रेस्ड मतलब जिनका दमन किया जाता है, ठीक है दमन, तो पैडागोजी ऑफ द ओप्रेस्ड के नाम पर इन्होंने बुक लिखी थी। और इस बुक में उन्होंने एक द बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन दिया था, बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन को इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था। अब ये बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन को क्या होता है, इसमें होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं पैसिव लर्नर होते हैं, जो 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 ये पॉल फ्रायर थे ना मोस्टली ये मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, ठीक है, तो उन्होंने मान लो ये कोई भी सब्जेक्ट हो, जनरली हम टीचर को देखते हैं कि जो बुक में लिखा है सिर्फ बुकिश नॉलेज के अलावा वो कुछ करना नहीं चाहते, अगर एक्सपेरिमेंट भी लिखे हैं तो सिर्फ वही एक्सपेरिमेंट होंगे, उनके अलावा कुछ नहीं होगा। तो इसमें क्या होता, उन्होंने बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन इसलिए बोला, उसको क्रिटिसाइज किया कि स्टूडेंट्स इसमें पैसिव होते हैं, टीचर एक्टिव होते हैं, सिर्फ स्टूडेंट का काम होता है रिसीव किया उन्होंने एक स्पेसिफिक मेमोरी इंफॉर्मेशन को, उसको रट्टा लगा लिया, मेमोराइज कर लिया, और जब बोला कि आप इसको बताओ तो उन्होंने रिपीट कर दिया। मान लो कि जैसे मैथमेटिक्स के कोई इक्वेशन सॉल्व करनी है, रिसीव किया, टीचर ने बताया ऐसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं, वो याद कर लेंगे बार बार प्रैक्टिस करके, और जब क्या होगा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा या टेस्ट में क्वेश्चन आएगा पूछा जाएगा तो वो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो ये बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन को उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था। तो इन्होंने क्या बोला था कि
टीचिंग जो है शुड चैलेंज लर्नर, कि टीचिंग ऐसी हो कि बच्चे कहें कि हाँ हम कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया ढूंढेंगे, एक चैलेंज मिले उन्हें, और वो चैलेंज लेकर जो लर्नर है अपनी पावर का एग्जामिनेशन करेंगे कि अगर हमारे सामने किसी ने चैलेंज दिया है तो मैं भी एग्जामिनेशन, मुझे भी अपनी पावर का पता चलेगा कि मैं किस हद तक डीप स्टडिंग कर सकती हूँ, थिंकिंग कर सकती हूँ, कहाँ तक मैं एनालाइज कर सकती हूँ, लॉजिक लगा सकती हूँ। तो हर टाइप की थिंकिंग में जब चैलेंज आएगा मेरे सामने मैं अपनी यूज़ करूँगी। तो ये लर्नर्स का क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं पावर के स्ट्रक्चर्स को कि कितनी पावर का स्ट्रक्चर है, कितनी पावर है उनमें, और द एंड पैटर्न्स ऑफ इनइक्वालिटी विद इन द स्टेटस को। स्टेटस को मतलब होता है कि करंट सिचुएशन की, उनको चैलेंज देना कि वो कितना कर सकते हैं और प्रेजेंट में करंट में क्या सिचुएशन है, करंट में क्या आप कर पा रहे हैं। मान लो आप एक टॉपिक पढ़ाया आपने, सिर्फ बुक में जितना लिखा है उतना पढ़ाया, ये होता है, तो वो करंट सिचुएशन है उनकी, ठीक है। लेकिन आप उनके सामने एक चैलेंज दे दो तो आप देखोगे कि वो मल्टीपल आंसर देंगे, स्टडी करेंगे, मल्टीपल जो उनकी क्वेरीज होंगी तो उसके बाद उसी टॉपिक का क्या रिजल्ट निकलेगा। तो ये क्या होता है हमारा, ये क्रिटिकल पैडागोजी होती है। तो फ्रायर के जो आइडियाज़ थे जो थे, उन्होंने बोला कि टीचर और लर्नर जो होते हैं, टीचर और दोनों स्टूडेंट होते हैं, दोनों ही लर्नर होते हैं, ठीक है। डेवलप करनी होती है, क्रिटिकल लिटरेसी होनी चाहिए, आनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए उनके अंदर, और एनकरेज करना है उनको कि वो इंक्वायरी करें एक्टिवली, और क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। ये नहीं कि उसमें लिखा है कि आपको चैलेंज देना है तो आपने चैलेंज दे दिया, बाकी मन नहीं आपका, आप करो उसका आंसर, उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढो, वाई, जो WH फैमिली वाले जितने भी वर्ड हैं, वाई, व्हेन, हाउ, ये सारी चीज़ों के आप आंसर ढूंढ रहे हो क्यूरियोसिटी के साथ, एक्टिवली पार्टिसिपेट करके, और आपका जो आंसर निकलता है तो आप उसका डिस्कशन कर रहे हो। तो ये सब क्या होता है, ये हमारा कि ये एक एक्चुअल वे में जो क्रिटिसाइज़ करना होता है हम इसे कहते हैं, ना कि जो क्रिटिसिज्म का जो मीनिंग गलत तरीके से लिया जाता है। तो ये है हमारा एंड ऑफ द वीडियो, आई होप कि टॉपिक आपको क्लियर हुआ हो, और अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।